नमस्ते, कैसे यार? बढ़िया। आज की वीडियो का यार टॉपिक होने वाला है रिसोर्सेज दैट यू शुड फॉलो टू क्रैक जेई। अब ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज होने वाला है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको यार थ्योरी कहाँ से कंप्लीट करनी है, आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में होंगी यार। आपको बुक्स फॉलो करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज कौन सी आपको करनी है ना, मॉक टेस्ट आपको कहाँ से करने हैं, क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ, सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा यार। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को वॉच करते रहो, और अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ठीक है, क्वेश्चंस आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, इनके बारे में लास्ट में ही डिस्कशन करूँगा, तो आप एंडिंग मिस मत करना। ओके, और वीडियो यार लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगता है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपको ऐसा काफ़ी यूज़फुल कंटेंट मिलता रहता है, आप चैनल विजिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं यार जिन्होंने किसी न किसी वेल नोन कोचिंग से सब्सक्रिप्शन खरीद रखा है, वो वहाँ से यार पढ़ाई कर रहे हैं। आप बहुत सारी कोचिंग हो सकती हैं, एलन हो गया, रेजोनेंस हो गया तुम्हारा, फिर जेई हो गया, विद्या मंदिर क्लासेस हो गई, ठीक है, बहुत सारी कोचिंग हो सकती हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो भाई, तो आपको क्या है कि यार आपको पूरा पूरा ना एक पैकेज मिलता है। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती कि यार आप किसी ने ये पीडीएफ शेयर कर दिया तो आपने वो आप करने लग गए, ठीक है, किसी वेबसाइट पे चले गए, जस्ट मॉक टेस्ट देने लग गए, ऐसा थोड़ी ना होता। आपको पूरा पूरा वहाँ पे पैकेज मिलता है। ठीक है, आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज कराई जाती है, आपको असाइनमेंट्स कराई जाती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, आपको सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज होता है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो वो मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं भाई, वही फॉलो करो, वो सफिशियंट है यार, आप बस उसे ही अच्छे से करो, आप कर लोगे। ठीक है, बाकी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो करने ही करने हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ का क्या है वो मैं आपको उसके बारे में लास्ट में डिस्कशन करूंगा। अब बात करते हैं यार यहाँ पे सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स का, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने किसी भी कोचिंग में एनरोल नहीं कर रखा है, ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन उन्होंने नहीं खरीद रखा है, तो इनके लिए यार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यार मैं यही कहना चाहूँगा कि यार अगर आप एक ड्रॉपर हो, तब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब तो चलो चीज़ें समझ आती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है, आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर कोई फ्रेशर है यार यहाँ पे, ठीक है, जिसने भाई अब तक कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं है एक भी बार, और वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो यार मैं यही तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि यार आप कोई ना कोई कोचिंग में एनरोल हो जाओ। ठीक है, कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन खरीद लो आप। ठीक है, अनअकैडमी भी हो सकता है, वेदांतु हो सकता है, या मतलब बहुत सारे हैं यार, ठीक है, किसी का भी आप खरीद लो, सारे ही अच्छी पढ़ाते हैं, तो उससे क्या है कि यार आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। बिकॉज़ फर्स्ट टाइम अगर तुम एज अ फ्रेशर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको चीज़ें नहीं पता रहती हैं यार, आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो टीचर का भाई हमारे जीवन में रोल क्या है? ठीक है, हम अगर सेल्फ स्टडी करके किसी चीज़ को 10 घंटे में कवर कर रहे हैं, तो वही टीचर हमें 2 घंटे में कवर करवा देगा यार, विद क्वेश्चंस भी हो सकता है वो करवा दे यार। ठीक है, क्योंकि उसे पता है, वो ऑलरेडी चीज़ें कर चुका है, उसे पता है कि यार कैसे चैप्टर को फिनिश करना है, वो आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि यार आप सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं सकते भाई। ठीक है, सेल्फ स्टडी करके लोग यूपीएससी तक क्रैक कर देते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है टाइम। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में लोग भाई 2-3 साल लेके लगे रहो, आप निकाल ही दोगे, बट यहाँ पे क्या है कि हो सकता है आपको अभी 3 महीने बाद ही आपको एग्ज़ाम देना हो। ठीक है, तो 3 महीने में सेल्फ स्टडी करके चीज़ें नहीं करी जा सकती ना यार, उसके लिए आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ आ गई कि यार अगर आप फ्रेशर हो, तो आप कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, इसी में आपकी भलाई है, आपको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बट अगर आप नहीं करना चाहते तो चलो कोई बात नहीं। अब फाइनली यार यहाँ पे कंबाइंड बात कर लेते हैं, जितने भी ड्रॉपर्स हैं, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ यार मैं आपको बुक्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यार बुक्स में क्या है कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगता है यार। ठीक है, आप खुद से पढ़ रहे हो तो यार टाइम लग जाता है। मैं आपको कहूँगा कि यार आप YouTube चैनल्स फॉलो कर लो यार। ठीक है, YouTube चैनल आप फॉलो कर लो यार, वहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे यार लोगों ने पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, जैसे आपको रोटेशन पढ़ना है, आपने टाइप करा रोटेशन, आपको पूरी पूरी प्लेलिस्ट आगे निकल के, ठीक है, मतलब ठीक है, प्लेलिस्ट या फिर आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगी। और यार बुक्स का एक और चीज़ रहता है कि यार वो ना काफ़ी ज़्यादा भाई पता नहीं कौन से सन में उन्होंने पब्लिश करी, और वही पैटर्न फॉलो करे जा रहे हैं यार। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं होती हैं, तो वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है यार, तभी आप बुक से पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत आती है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे। ठीक, तो मैं आपको कुछ अब यूट्यूब चैनल बताने वाला हूँ जो यार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बिल्कुल यार फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, आप वहाँ से पूरा पूरा कोर्स कर सकते हो यार फ्री में, समझ रहे हो, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उन्होंने बता रखी। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने कुछ डेटा लिख रखा है अपनी नोटबुक में, यहाँ पे तुम स्क्रीनशॉट्स भी दिख रहे होंगे, और सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में सब रहेगी, उसकी आप टेंशन मत लो, बस आप सुनते रहो। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो पहले नंबर पर यार चैनल आता है अपनी कक्षा, हमारे अमन भैया। तो अमन भैया ने यार अनअकैडमी पर भी काफ़ी पढ़ा रखा है, मैंने सुना कि यार 2 बार उन्होंने फिजिक्स पूरी पूरी रिवाइज़ करवा रखी है। ठीक है, अभी तो खैर उन्होंने वहाँ पे पढ़ाना छोड़ दिया है, तो अभी अपनी अपनी कक्षा पे सारे के सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, और वैसे भी पहले से ही काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ से ना बेसिक्स अपने बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आप अभी मैं थ्योरी वाला पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस कहाँ से करने वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा चैनल है कृषभ, विक्रांत भैया वहाँ पे पढ़ाते हैं, IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट हैं वो। यार वन शॉट वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको जैसे रोटेशन करना है, रोटेशन टाइप करो वहाँ पे, आपको
एक ही वीडियो में यार काफ़ी डिटेल में यार वो चीज़ें उन्होंने करवा रखी हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं बहुत सारे उन्होंने, बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार चेकआउट जरूर से जरूर आपको करना है। अब अगर फिजिक्स की बात हो ही रही तो फिजिक्स वाला सर को यार कैसे आप भूल सकते हो। नहीं हंसना नहीं है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो फिजिक्स वाला के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, वो अंडरस्टूड चीज़ है कि वो तो आनी आनी है फिजिक्स में, तो आप उसे तो ज़रूर फॉलो करो ही करो, ठीक है। बहुत सारा यार मटेरियल वहाँ पे है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उनका एक पेड कोर्स भी है जो 1000 रुपये में शायद 1 साल का सब्सक्रिप्शन देता है, तो बहुत सही है यार, ठीक है। 1000 बहुत छोटी चीज़ है और आपको मिल जाएगा, मतलब ठीक है। फिलहाल फ्री कॉन्टेंट ही इतना सारा पड़ा हुआ, आप एक बार ही जाओ, आप एक्सप्लोर तो करो यार, बहुत सारा कॉन्टेंट है वहाँ पे। इसके बाद से एक चैनल आता है फिजिक्स गैलेक्सी, आप ये भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराने की कोशिश करी जाती हैं। अब बात करते हैं यार मैथमेटिक्स की। सबसे पहले नंबर पर चैनल आता है नेहा अग्रवाल मैम, यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा सब कुछ, ठीक है। उनका यार चैनल काफ़ी सही है, डेली अपलोड्स करते हैं यार वो, मैंने खुद काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीम्स उनके देख रखे हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से यार, वेल ऑर्गेनाइज है यार पूरा सब कुछ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करवा रखी हैं, आप जरूर जरूर फॉलो करो। नेक्स्ट चैनल आता है यार मोहित त्यागी सर का, इन्होंने भी काफ़ी डिटेल में यार सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है, आप चैनल पर एक बार जाओ आप खुद समझ जाओगे। नेक्स्ट चैनल आता है मैथ ऑन गो। अब ये चैनल क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, आपके अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। प्लस आपको जेई से भी यहाँ पे अपडेटेड रखा जाता है, क्या न्यूज़ चल रही है, ठीक है, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। इसके साथ साथ यार इन्होंने एनटीए अभ्यास के क्वेश्चन भी यहाँ पे करवा रखे हैं, तो और भी प्लस पॉइंट है हमारे लिए, तो एक बार ही आप चेकआउट जरूर जरूर कर लेना, ओके। अब केमिस्ट्री में यार जो सबसे पहले नंबर पे चैनल आता है वो आता है पीयूष महेश्वरी का, फिर आता है एटीपी स्टार, ठीक है। आपको वहाँ पे काफ़ी सारे रिवीजन और वन शॉट वीडियोस आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बट अगर आपको बेसिक से चीज़ें पढ़नी है तो आपको उनके पेड प्लेटफॉर्म पे ही जाना पड़ेगा। उन्होंने बेसिक से चीज़ें नहीं करवा रखी, रिवीजन वन शॉट टाइप ही करवा रखा है, ठीक है। बट फिर भी काफ़ी सारा कंटेंट है यार, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। नेक्स्ट चैनल आता है यार वेदांतों में एक सर पढ़ाते हैं पाहुल सर, उन्होंने यार मैंने उनका विजिट करा भाई चैनल, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने करवा रखी है, मतलब इनऑर्गेनिक की उन्होंने एक पूरी पूरी भाई प्लेलिस्ट मैंने उनकी देखी, क्विक थ्योरी रिवीजन, वो यार बहुत सही है भाई, ठीक है। मतलब तुम वहाँ पे लेक्चर देखोगे, आपको कुछ भी देखना है, आपको मतलब पूरा का पूरा भाई चैप्टर वाइज एकदम डिटेल में यार सब कुछ करवा रखा है। मतलब आप अगर बुक में पढ़ोगे ना भाई, आप ढूंढते रह जाओगे मेरे को कहाँ से पढ़ना है, क्या अंडरलाइन करूँ भाई, क्या करूँ, है ना। तो ये बेस्ट तरीका है यार, आपको यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलता है, तो इसलिए यूट्यूब चैनल में फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये चैनल आप जरूर से विजिट करना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी रुके रहो, आगे वीडियो देख लो, बाद में विजिट कर लेना, ठीक है। अब यार आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो। अब देखो एनसीईआरटी का यार केमिस्ट्री में ही थोड़ा बहुत रोल होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, और आपको ऑर्गेनिक में मिल जाएगी, फिजिकल में भी इतना ज़्यादा रोल है नहीं यार, फिजिकल में क्या ही रोल है। और क्या बोलते हैं, मैथ्स और फिजिक्स में एनसीईआरटी का कुछ खास रोल नहीं है यार, ठीक है। आपको बेसिक लेवल अगर ही आपका क्लियर नहीं है देन एनसीईआरटी आपको हेल्प कर सकता है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं रहता उसका। और यार एक चीज़ और, अगर आप एनसीईआरटी वगैरह परचेस करने की सोच रहे हो तो प्रेफर करना कि आप सेकंड हैंड बुक लो, सेकंड हैंड बुक में ऑलरेडी आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट मिलेंगे यार, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि यार क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है इसका, ठीक है। और इसके अलावा यार आप इनऑर्गेनिक के यार आप नोट्स वगैरह अरेंज अगर कहीं से कर सकते हो तो वो भी आप कर लेना, बिकॉज इनऑर्गेनिक का सीन क्या भाई, रट्टा मारने वाला सीन है यार वहाँ से, तो इसमें मतलब समझ गया आप, ठीक है। फिलहाल ये जितने मैंने यूट्यूब चैनल बताए इन सबको फॉलो करो यार, बहुत अच्छी हो जाएगी यार तैयारी, ठीक है। इनके अलावा यार आप अनअकैडमी जेई और वेदांत जेई भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे भी डेली अपलोड्स हो रहे होते हैं यार, ऐसा नहीं कि यार कभी 10 दिनों वीडियो डाल दी 5 दिनों में डाल दी, ऐसा कुछ नहीं होता, डेली ये लोग लाइव कर रहे होते हैं, ठीक है, वीडियोज़ डाल रहे होते हैं, आपको अपडेटेड रख रहे होते हैं, तो ये भी बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे, ठीक है। लाइव में क्या आपका थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, कॉमेंट वगैरह अगर रिप्लाई कर रहे हैं या शुरू में 10 मिनट ऐसे ही चलता है, तो वो सब आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल यार काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो अब हमारा थ्योरेटिकल जितना भी पार्ट था वो हमने सारा का सारा इन यूट्यूब चैनल से हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है, हमारे पास पूरा का पूरा रिसोर्सेज आ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चंस आपको कहाँ से कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा लो, वहाँ से आपका बेसिक पूरा पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, इवन जेई मेन का भी काफ़ी हद तक का लेवल कवर हो जाएगा यार, ठीक है, जेई मेन में एनसीईआरटी का काफ़ी आ जाता है, ठीक है, उस लेवल के क्वेश्चंस, इतनी चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो छोड़ने ही छोड़ने नहीं यार, जिंदगी में कुछ भी हो जाए आपको छोड़ना नहीं है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 5 से 10 सालों के ही करने हैं, ऐसा नहीं कि आप 20-25 सालों के करे जा रहे हो, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, उनका सब करने का फायदा नहीं है, 5-10 सालों के ही करो, सारे सेट्स जितने अब तक आ रखे ना सब कर डालो भाई, बहुत क्वेश्चन है यार, इतने तुम कर भी नहीं पाओगे शायद से, वो सब निपटाओ, बेस्ट तरीका है यार वो, है ना, वहाँ से जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यार इतनी तुम्हारी किसी भी चीज़ से नहीं होगी, ठीक है, फर्स्ट चीज़ ही होगी। सेकंड चीज़, आप कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एनटीए अभ्यास ऐप, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही रखना है जो जेईई मेन के हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको रखनी है एनटीए अभ्यास ऐप, अब एनटीए अभ्यास ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मटेरियल है वहाँ पे, ठीक है, जेईई मेन के काफ़ी क्लोज रहते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज़ आप मॉक टेस्ट दे सकते हो यार, ठीक है, मॉक टेस्ट का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, अब ये नहीं कि यार आप रैंडमली चीज़ें कर रहे हो भाई, कहीं से मॉक टेस्ट मिल गया बस लग गए आप, ऐसा नहीं यार, चीज़ें सोच समझ के करनी है कि यार वो मॉक टेस्ट का लेवल कैसा है, जेईई मेन की क्लोज है भी या नहीं है, ठीक है, तो वो तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज़, यार टेस्ट सीरीज़ तो छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में, टेस्ट सीरीज़ आपको करना ही करना है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज़ के तरीके हैं हमारे पास दो, एक तो हम कोई फ्री टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें या फिर कोई पेड टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब फ्री और टेस्ट सीरीज़ में अंतर क्या है,
मैं हमेशा पेड को ही प्रेफर करता हूँ। फ्री में क्या कि यार आप कोई यूट्यूब चैनल वाला हो सकता हो, किसी ने बना रखी हो या फिर और कोई किसी का स्टार्टअप वगैरह हो, बट मैं तो यही तुम्हें कहूँगा कि यार आप खुद सोचो, आप फ्री की कोई चीज़ ले रहे हो ठीक है, तो ऑब्वियसली लोगों ने उतनी ज़्यादा मेहनत वहाँ पर नहीं डाली होगी यार, ठीक है, उतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिल रही होंगी, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे उठाए होंगे, इधर उधर से क्वेश्चंस उठा के हो सकता है अरेंज कर दूँ ऐसे, ठीक है, पता नहीं जेईई मेन के काफ़ी क्लोज हो भी या फिर ना भी हो वो, तो वहाँ पे डाउट रहता है यार। मैं तो कहूँगा आपको अगर क्वालिटी कंटेंट अगर कंज्यूम करना है तो भाई थोड़े से पैसे खर्च कर लो, मैं हमेशा यही चीज़ प्रेफर करता हूँ, अदरवाइज यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको फिर से नेक्स्ट ईयर तैयारी करो, है ना। तो इसीलिए पेड टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना कोई भी। अब पेड टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे हैं तरीके यार, ठीक है, कितनी सारी कोचिंग्स हैं यार, आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, हर जगह आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी तो वो प्रेफर कर सकते हो, या तो फिर आप, मेरी अभी एक भाई से बात हो रही थी तो उनका यार मैंने मटेरियल देखा, उनकी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी सही है, उनका एक स्टार्टअप है बेसिकली, ठीक है, उनकी उनके पास एक पूरी पूरी टीम है, टीम ऑफ आईआईटीएंस हैं वो लोग, ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे के लोग हैं वहाँ पे, आईआईटी दिल्ली के लोग हैं यार वहाँ पे, ठीक है, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट हैं यार वहाँ पे, सारे सारे लोग, ठीक है, तो वो लोग बेसिकली टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, तुम्हारा जेई हो गया, नीट हो गया, और भी काफ़ी एग्जाम्स के बारे में वो लोग करवाते हैं, हम तो जेई के बारे में बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्या कि यार मैंने उनकी टेस्ट सीरीज़ चेक करी तो उनका लेवल काफ़ी सही था यार, ठीक है, जेई मेंस के काफ़ी क्लोज्ड क्वेश्चन उन्होंने रख रखे थे यार, ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न वो तो अंडरस्टूड है। आपको 116 टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 116 जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों मिला के, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है यार, ये बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यार, 116 बहुत होता है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इतना ज़्यादा, तो मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका टेस्ट खत्म होते ही आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, आप इसके बाद से अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, सारी आपको ग्राफ वाइज या फिर एक अच्छे तरीके से वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, ठीक है। ऐप मैंने विजिट कर रखी है, वेबसाइट इनकी मैंने विजिट कर रखी, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं इनके, इसके साथ साथ इनका मेंटरशिप प्रोग्राम भी इसी में इंक्लूडेड है, आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको कुछ भी, तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। तो अगर आप मेरे थ्रू जा रहे हो टेस्ट सीरीज लेने तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए, तो मेरा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, तो आपको 1500 का ऑफ मिल जाएगा, वैसे तो इनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप 1500 ऑफ मिल जाएगा तो काफ़ी कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और आई थिंक डिसेंट प्राइस है, आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार जाओ विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी हैं, इनकी ऐप का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, आप सारी चीज़ें पढ़ लो वहाँ पे, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आपको यार आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया रहेगा, आप वहाँ पे मैसेज करके जो भी आपको और फर्दर जानना हो तो आप वो भी पूछ सकते हो, है ना। बाकी बस यार यही सारी चीज़ें थी, थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हारा कवर हो गया, ठीक है, क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, बस यही है। और बाकी अगर बुक्स की अगर मैं बताऊँ तो मैथ्स के लिए अगर आप मान लो आरडी शर्मा वगैरह देखना चाहते हो तो देख लेना। बाकी मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप रेजोनेंस वगैरह की जैसे बुकलेट्स आती हैं आप वो भी फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, फिलहाल आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, जितना मैंने मटेरियल बताया ना अभी आप इतना ही नहीं कर पाओगे, इसका आप 3/4 भी कर लेते हो ना तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा यार, ठीक है। लोग क्या है कि इधर उधर भटकते रहते हैं, लोग अच्छे से करते नहीं यार, कितने सारे लोग होते हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके भाई एग्जाम निकाल लिया यूट्यूब के दम पे और फ्री रिसोर्सेज फॉलो करके, तो आप कॉन्फिडेंट रहो यार, चीज़ें हो जाएंगी, रिसोर्सेज यही हैं, सारे लोग यही फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कुछ इधर उधर कुछ अजीब ही पढ़ लेते हैं, सब यही पढ़ते हैं और पढ़ने का भी तरीका होता है ना, वही सारी चीज़ें, तो आप चीज़ें फॉलो करो अच्छे से यार। ज़रूरी नहीं कि यार आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, अगर आप 75 क्वेश्चन सॉल्व करने का ही टारगेट रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, टाइम भी कम बचेगा। मैं तो कहूँगा कि यार आप 50 क्वेश्चन ही टारगेट कर लो, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं हो पा रही है तो 200 नंबर के आसपास लाओगे तो भी आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा यार, क्या दिक्कत है ना। तो ये थोड़ी चीज़ें सोच समझ के करो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैंने रिसोर्सेज इतना बता दिया कि आप इतना फॉलो करो, आप डेफिनेटली मैं गारंटी ले सकता हूँ कि यार आप बहुत अच्छा कर लोगे, बट आप फॉलो तो करो अच्छे से, है ना, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से बातें सुनने से तो नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंट तो करनी पड़ेगा, तो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी यार। जितने मैंने चैनल्स दिए हैं जाओ विजिट करो, सबको जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बस यही है। वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा ही होगा, ठीक है, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और जितने मैंने रिसोर्सेज अब तक फॉलो करें उनमें से अगर कोई चैनल अगर लगता है कि यार ये चैनल मिस हो गया तो आप कमेंट कर दो, मैं आपका पिन कर दूंगा या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस यूट्यूब चैनल का लिंक, ठीक है, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, है ना। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, और शेयर भी कर देना, बाकी लाइक तो कर ही दोगे, तो बस हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और यार अब से ना काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, कुछ 3-4 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी अब नया नया एक्सपीरियंस मिलने में मतलब मिलेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, चलो बाय।